Very good morning. Myself Sanjay Makwana, lecturer automobile engineering, Government Polytechnic College, Ajmer. आज अपन वैक्यूम ब्रेक्स वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे. हाउ द वैक्यूम ब्रेक्स वर्क्स, वैक्यूम ब्रेक कैसे काम करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लगते हैं. पर उसको समझने से पहले अपन इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं. इस डायग्राम के अंदर देखिए, ये कंट्रोल यूनिट कहलाती है. इस कंट्रोल यूनिट के अंदर दो वाल लगे हुए हैं, एक अपर वाल लगा हुआ है, ये क्लोज है भी, और ये एक लोअर वाल है. ये एक रॉड से जुड़े हुए हैं, ये रॉड इस पिस्टन से जुड़ा हुआ है, और इस पिस्टन के नीचे की तरफ लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ है जो कि सीधा मास्टर सिलेंडर से जुड़ा हुआ है. ये मास्टर सिलेंडर है, इसके अंदर अगेन एक पिस्टन है, और इस पिस्टन की जो रॉड है वो ब्रेक पैडल से जुड़ी हुई है, राइट. और यहाँ देखिए, ये वैक्यूम रिजर्वायर है जिसके अंदर हर समय वैक्यूम रहता है. और ये वैक्यूम रिजर्वायर यहाँ से दो तरफ से नीचे वाले वाल और इस कंट्रोल यूनिट वाले चैम्बर से जुड़ा हुआ है. तो और दूसरी तरफ से ये वाला जो रिजर्वायर है, ये सर्वो सिलेंडर के राइट साइड में जाके जुड़ा हुआ है. और सर्वो सिलेंडर के अंदर भी एक पिस्टन है और एक रॉड है. ये वाली रॉड जो है वो कैम से जुड़ रही है, और ये कैम ब्रेक चैम्बर के अंदर जो शूज है उसके बीच में लगी होती है. इसी रॉड से कैम जुड़ी हुई रहती है. ये सर्वो सिलेंडर है. सर्वो सिलेंडर के दोनों तरफ वैक्यूम बना हुआ रहता है, और वैक्यूम रिजर्वायर में वैक्यूम है, और कंट्रोल यूनिट के जो चैम्बर है इसके अंदर दोनों की तरफ वैक्यूम रहता है. वैक्यूम बनता कैसे है कि जब इनलेट वाल्व खुलता है, सक्शन करता है इंजन, तो एयर यहाँ से सक करता है. तो इस पूरे चैम्बर से एयर सक होके और यहाँ वैक्यूम क्रिएट करेगी. यहाँ इस चैम्बर से पूरा वैक्यूम क्रिएट होगा. ये देखिए, यहाँ से ये पूरा वैक्यूम क्रिएट होगा. सर्वो सिलेंडर के लेफ्ट साइड में भी वैक्यूम क्रिएट होगा. पूरी एयर यहाँ से खींचेगी, और इंजन के हर साइकिल के अंदर जब एयर सक करेगा तो वो इस चैम्बर में से एयर को बार बार सक करेगा और यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर देगा. कहने का मतलब है, सर्वो सिलेंडर के दोनों तरफ, पिस्टन के दोनों तरफ वैक्यूम बन जाएगा. वैक्यूम रिजर्वायर में वैक्यूम रहेगा, और कंट्रोल यूनिट के इन चैम्बर्स के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. और जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर के नीचे चला जाएगा, और ये जो है ये मिडिल में रहेगा. और अपना ऐसा कब रहेगा, जब अपन ने ब्रेक नहीं लगा रहे, जब ब्रेक फ्री होगा तब ये वाली कंडीशन होगी, राइट. और अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब वैक्यूम ब्रेक्स को अपन एप्लीकेबल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक पैडल से करेंगे. ब्रेक पैडल में सबसे पहले ड्राइवर ब्रेक पैडल को प्रेस करेगा. जैसे ड्राइवर ब्रेक पैडल को प्रेस करेगा, ये जो लिंक है हमारा, ये सीधा पिस्टन से जुड़ा हुआ है, ये पिस्टन को पुश करेगा आगे की तरफ. पिस्टन आगे की तरफ पुश होगा तो लिक्विड को प्रेस करेगा, और लिक्विड को प्रेस होगा तो लिक्विड जो है, दैट इज हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है, वो प्रेशराइज हो जाएगा. प्रेशराइज होगा तो उसका प्रेशर यहाँ एक्ट होगा, और ये इस पिस्टन को वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा. जैसे ही पिस्टन थोड़ा ऊपर चलेगा, ये रॉड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, और रॉड के ऊपर की तरफ शिफ्ट होने से ये जो नीचे वाला लोअर वाल जिसको अपन बोल रहे हैं ये बंद हो जाएगा, और अपर वाल जिसको अपन कह रहे हैं ये स्प्रिंग के अगेंस्ट में, स्प्रिंग को दबाते हुए खुल जाएगा. जैसे ही ये वाल खुलेगा, यहाँ देखिए, यहाँ एटमोसफेयर से एयर जो है वो रश करेगी इस वाल के खुलने के बाद, और इस चैम्बर में एंटर हो जाएगी. जैसे एयर इस चैम्बर में, एटमोसफेयरिक एयर एंटर हो जाएगी, और जैसे ही वो एयर इसमें एंटर होगी, वो सीधी की सीधी यहाँ एक्ट करेगी, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सर्वो सिलेंडर. और जब एयर का प्रेशर यहाँ एक्ट करेगा तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. एक तरफ वैक्यूम बना हुआ है, दूसरी तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है. अब प्रेशर डिफरेंस के कारण एयर का प्रेशर इस पिस्टन को पुश करेगा, और जैसे ही एयर पिस्टन आगे की तरफ पुश होगा, ये रॉड आगे पुश होगी. जब रॉड आगे पुश होगी तो ये कैम को ऑपरेट करेगी, क्योंकि कई बार अपन इसको मैकेनिकली भी ऑपरेट करते हैं, हाइड्रोलिकली भी ऑपरेट करते हैं, या अपन वैक्यूम सिलेंडर में इसको प्रेशर डिफरेंस से क्रिएट ऑपरेट कर रहे हैं. तो एयर का प्रेशर यहाँ लगेगा, और वो प्रेशर से ये रॉड आगे जाएगी, जिससे ये कैम ऑपरेट होगा. कैम जैसे ही खुलेगा तो ये दोनों ब्रेक शूज को ड्रम की तरफ धकेलेगा, और ड्रम की तरफ धकेलने से ब्रेक्स एप्लीकेबल हो जाएंगे. फिर जैसे ही ड्राइवर जितना ज्यादा प्रेस इसको करेगा, उतना ज्यादा लिक्विड फ्लूइड ऊपर जाएगा, उतना ज्यादा वाल्व खुलेगा, और उतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर्वो सिलेंडर पैक करेगा, और ब्रेक एप्लीकेबल होंगे. नाउ जैसे ही ब्रेक पैडल से ड्राइवर पांव हटा लेता है, तब क्या होगा कि ये वाल्व वापस बंद होगा. देखिए, ये स्प्रिंग की वजह से ये वाल्व वापस बंद होगा. यहाँ पर प्रेशर खत्म हो जाएगा. प्रेशर खत्म होने से यहाँ रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग है जो इस पिस्टन को वापस पीछे लेके आएगी,
और इस प्रेशर जो ये लिक्विड में प्रेशर बना हुआ था ये ड्रॉप होगा, जिससे कि ये वाल्व नीचे आएगा तो ये वाल्व बंद होगा और ये वाल्व खुल जाएगा। इस वाल्व के खुलने से ये वापस ये चैम्बर बंद हो गया, तो यहाँ जो प्रेशर लग रहा था वो खत्म हो गया, और क्योंकि यहाँ खत्म होने से जो वैक्यूम था वो वापस यहाँ आ जाएगा। वैक्यूम बनने से ये वापस इधर भी एक स्प्रिंग लगी होती है जिसको रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग बोलते हैं, जो कि इस पिस्टन को वापस पीछे की तरफ धकेलती है और यहाँ ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये वैक्यूम ब्रेक्स हमारा काम करता है एप्लीकेबल होने से और ब्रेक रिलीज होने से। जैसे अपन पेडल पे से पैर हटा लेते हैं तो बाकी का प्रेशर रिलीज हो जाता है और यहाँ से जो है वैक्यूम जो एयर का प्रेशर बना हुआ था वो रिलीज हो जाता है और वो वाकई वैक्यूम के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे वैक्यूम बनना चालू होता है रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग इस पिस्टन को वापस पीछे धकेल देती है और ब्रेक शूज रिलीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे वैक्यूम ब्रेक्स काम करते हैं। ये ब्रेक जनरली अपन गाड़ियों के अंदर ट्रेन्स के अंदर अप्लाई करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा इसका यूज होता था, अभी थोड़ा बहुत ट्रेन्स के अंदर भी इसका कम हो गया, एयर ब्रेक्स ज़्यादा यूजफुल हो गए और ऑटोमेटिक गाड़ियों के अंदर भी अपन वैक्यूम ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज वेरी दिस वैक्यूम ब्रेक्स इज कॉल्ड पावर ब्रेक्स, ये पावर ब्रेक्स की श्रेणी में आता है, सो वेरी इफेक्टिव है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच।